एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी सरस्वती पूजा एंड बसंत पंचमी। आप सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरस्वती पूजा स्पेशल सूजी का लड्डू। झटपट बन जाता है और जल्दी से बन जाता है। हमारे घर में पूजा जब होता है, मेरी मम्मी बनाती थी ये लड्डू। बहुत टेस्टी बनता है। देखिए कैसे बना रही हूँ मैं। पहले तो हम सूजी ले रहे आधा कप सूजी ले रहे। उसके बाद मैंने ले लिया है उससे आधा कप चीनी ले लिया है। सूजी इतना लिया, उसका हाफ ले लिया चीनी, और इलायची 3 पीसेस ले लिया है मैंने, और मैंने पिस्ता को कट करके ले लिया है, और काजू को भी ले लिया है मैंने, बादाम को भी कट करके ले लिया है। ऐसे भी ले सकते हैं, कट करके भी ले सकते हैं। कट करे तो बहुत टेस्टी बनता है। देखिए मैंने नारियल को ब्लैक वाला वो कवर आता है वो निकाल के एकदम वाइट वाला निकाल के क्रश करके रख दिया है। उसके बाद देखिए मैंने अभी एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। एकदम थोड़ा सा ही लेना है सूजी को फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा ही ले रही हूँ मैं। देखिए उसके बाद देखिए मैंने सूजी को भी डाल दिया है। सूजी को अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए सूजी को भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं। एकदम कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा कलर चेंज होने लगा है अभी। सूजी को जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना ही टेस्टी बनता है हमारा सूजी का लड्डू। देखिए अभी मैंने एक वही पैन में और थोड़ा सा तेल डाल के काजू और बादाम को एकदम अच्छे से फ्राई कर देना है। देखिए हम लोग आलमंड भी बोलते हैं, बादाम भी बोलते हैं। देखिए इसको अच्छे से पानी फ्राई करने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। कोई कोई पानी बिल्कुल नहीं डालते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पानी डालना, इसके वजह से मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट चीनी डाल सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा चीनी को पकने के लिए पानी डाल दिया है। थोड़ा सा ही डालना, एकदम थोड़ा सा, 1-2 स्पून या 3 स्पून भी डाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इलायची भी डाल दिया है मैंने। उसके बाद नारियल को मैंने क्रश करके जो रखा था उसको भी डाल दिया है मैंने। उसके बाद ऐसा दिखता है, देखिए एकदम गाढ़ा हो जाना है, एकदम गाढ़ा। देखिए हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा हुए तो तब भी टेस्टी बनता है, नहीं तो पानी पानी होता अच्छा नहीं लगता है वो। देखिए हमारा पूरा गाढ़ा हो गया अभी, एकदम गाढ़ा, और गाढ़ा होना है। गाढ़ा होने के बाद हम इसको उसमें सूजी मिला देंगे जो फ्राई करके रखे थे। देखिए हमारा कलर कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए मिला दिया है मैंने सूजी को। देखिए मिला रही हूँ, बहुत अच्छे से मिलाना है। देखिए मिला दिया है मैंने। देखिए मिलाने के बाद ऐसा दिखता है। आप 10 मिनट छोड़ के ही करिए, नहीं तो गरम लग जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा निकाल के बॉल जैसा बनाना है। देखिए एक एक निकाल के, बहुत गर्म होता है, 10 मिनट छोड़ के ही बनाना है। ठंडा होने के बाद ही बनाना है, तभी अच्छा बनता है। देखिए मैं एक एक करके बना रही हूँ। घर में जब पूजा होता है, मेरे मम्मी हमेशा लड्डू बनाते हैं। घर में गणेश पूजा होता है, कुछ भी पूजा होता है, लड्डू बनाते हैं प्रसाद के लिए। बहुत अच्छे से बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं। देखिए मेरा बन गया है अभी सारा का सारा। अभी मैंने डेकोरेट करने के लिए रख दिया है। थोड़ा थोड़ा पिस्ता डाल के डेकोरेट भी कर दिया है मैंने। बहुत अच्छा लगता है, बनाइए और मुझे बताइए और कमेंट भी करिए कैसा लगा खा के और बना के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।